good. Apa kamu? Smile. Jadi. Marayo. ठीक है बढ़िया है वो अगली बार वैसा वैसा ना और लार्ज स्केल पर करेंगे अच्छे तरीके से ना जो हमने कार्यक्रम किया उसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे कंडोलिया देवता का वार्षिक पूजन और भंडारा होता है हर साल और अभी 15, 16 और 17 तारीख को इसने होना है यहाँ पे। तो इस आयोजन के माध्यम से हम ये संदेश पूरे प्रदेश में और प्रदेश से बाहर भी देना चाह रहे हैं कि गढ़वाल मंडल मुख्यालय है जो वो चाहे सरकार और राजनीतिज्ञों की नज़र में गौण हो गया हो लेकिन पौड़ी का जो जनमानस है वो जिंदा है और लगातार पौड़ी को पर्यटन नगरी बनाने के लिए यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यहाँ की जो जनता है वो जिस तरह से यहाँ पे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ उसी तरह से एकजुट होगी और संघर्ष करेगी और आगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक अपनी आवाज़ पहुँचाएगी जिससे कि जो हमारे राजनेता पौड़ी की अनदेखी कर रहे हैं वो जागेंगे
और क्योंकि मैं एक अखबार भी चलाता हूँ जागो उत्तराखंड, और उसके मूल में यही बात है, पहाड़ी इलाके हमारे चाहे कुमाऊं के हैं और गढ़वाल के, वहाँ से पलायन ना हो, वहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा हों और पर्यटन को केंद्र में रखकर सरकार योजनाएं बनाए और यहाँ पे चहल पहल लौटाए। प्रकाश उत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लेना चाहिए क्योंकि पौड़ी एक पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी की शान है हमारा कंडोलिया ठाकुर। हमारे पर्यटन का मुख्य स्रोत यही है कि हमें इस प्रकार के सामूहिक आयोजन करने होंगे। कंडोलिया जो हैं वो हमारे केंद्र हैं पौड़ी के विकास के भी और अध्यात्म के भी, और हमने इनको अपना इष्ट मान के यहाँ पे आज ये जो शुरुआत की है, ये पौड़ी में एक नवनिर्माण सेना का भी जो है केंद्र रहेगा। और यहाँ से मैं आप लोगों को, जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये एक हमने एक अलग जगाने की कोशिश की है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके हम एक अलग जगाना चाहते हैं कि सामाजिक कार्यों में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पौड़ी को पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे इसे स्वच्छ रखने का कार्यक्रम हो, चाहे वो कोई भी पौड़ी के अंदर सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें हम लोग ऐसे ही एक होते रहें जैसे आज हम इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में होते आए हैं। आज हमने यहाँ पर कंडोलिया देवता के आशीर्वाद से यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है, ये दीप प्रज्वलित करने का। जैसा कि हम मानते हैं कि कोई भी हमारे घर में कार्य होता है तो हम पहले अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर कंडोलिया देवता का आह्वान किया क्योंकि अब 2-3 दिन बाद यहाँ पर भंडारा होने वाला है। तो भगवान कंडोलिया देवता का आशीर्वाद पहले तो सब पे बना रहे जो देश विदेश भी हैं, लेकिन विशेषकर जो पौड़ी में रह रहे हैं उन पे भगवान कंडोलिया देवता का आशीर्वाद बना रहे। और यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 2100 दीपक जलाने का आज संकल्प लिया और हर साल भगवान कंडोलिया ठाकुर सबको राजी खुशी रखेगा, तो हम हर साल ये कार्यक्रम अपना चलाते रहेंगे। कंडोलिया देवता ऐसे है कि पूरे पौड़ी का ठाकुर देवता कंडोलिया देवता है हमारा, तो पूरे जगह मतलब कंडोलिया देवता का इतना बड़ा यहाँ पे आशीर्वाद है कि मेरे ख्याल से जो भी यहाँ आता है सबसे पहले कंडोलिया देवता का नाम लेता है। हमारे यहाँ कोई भी कार्य जो होता है, शुभ कार्य होगा, सबसे पहले हम कंडोलिया देवता को अपने यहाँ पधारने के लिए बुलाते हैं। सबसे पहले कंडोलिया देव ठाकुर हमारे बहुत ही मजबूत देवता हैं जिसको हम हर वक्त हर सुख या दुख में हमेशा कंडोलिया देवता को पुकारते हैं।